लोग एनडीए के साथी हैं और मिलते रहते हैं, इसका कोई मायने नहीं निकाला जाए। हम संतोष बहुत संतुष्ट हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है और हम सब भाई मिलकर जो भी तय करते हैं, जो पार्टी हमारी है एनडीए के साथियों के साथ मिलकर विचार कर जो होता है वो तय करते हैं। लोग अच्छे तरीके से एनडीए के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर खूब उठा पटक जारी है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि एनडीए में अब तक सब कुछ ठीक नहीं है, यानी हम कहें तो ऑल इज़ वेल की स्थिति नहीं नज़र आ रही है। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव ने भी साफ साफ सीट शेयरिंग पर सवाल खड़ा किया था। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि एनडीए की सीट शेयरिंग से पहले महागठबंधन की सीट शेयरिंग हो जाएगी। और इस बीच कल सुबह सुबह बीजेपी के सांसद और बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो मिलने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं उनके आवास पर। और ठीक अभी देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंच जाते हैं। बंद कमरे में मुलाकात होती है, सीट शेयरिंग को लेकर बात होती है और सभी सीटों को कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग अब अंतिम रूप में है। अब उसे अंतिम रूप देने के लिए एनडीए लग चुकी है और जल्द से जल्द दिल्ली में एक मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद सब कुछ फाइनल हो जाएगा। देखिए, चिराग पासवान को लेकर भी लगातार सस्पेंस बना हुआ है कि चिराग पासवान भी नाराज़ एनडीए से चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ साथ बीजेपी के सांसद अभी मिलने के लिए, एक तरफ देखिए दोनों नेता एक साथ मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। सबसे पहले नित्यानंद राय जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंच जाते हैं मिलने के लिए। वहाँ पर बिहार सरकार के मंत्री और जीतन राम मांझी के सुपुत्र संतोष सुमन से बंद कमरे में मुलाकात होती है। तो इधर थोड़ी देर पहले बीजेपी के सांसद और बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक संजय जायसवाल मिलने के लिए पहुंच जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा से। देखिए, कल भी संजय जायसवाल मिलने के लिए पहुंचे थे उपेंद्र कुशवाहा से और बाहर निकलते ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बाहर निकलते ही खूब बोला है। वहीं संतोष कुमार सुमन जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं और बिहार सरकार में वर्तमान में मंत्री हैं, उन्होंने भी कई बातें बताई हैं। क्या एनडीए में सब कुछ इंटैक्ट है, क्या सब कुछ ऑल इज़ वेल है, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर क्या बातें हुई, बंद कमरे में क्या मुलाकात हुई। देखिए, आधे घंटे तक करीबन ये मुलाकात हुई है और बाहर निकलते ही नित्यानंद राय ने चिराग पासवान को लेकर भी साफ कर दिया है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ रहेंगे या फिर एनडीए छोड़ देंगे। क्या कुछ कह रहे दोनों नेता, सबसे पहले आप इस वीडियो में सुनिए। संतोष जी बोलेंगे। अरे पहले संतोष जी से पूछे ना, हम बोलते हैं। अरे पहले संतोष जी से पूछे, संतोष जी आज हम लोग एनडीए के साथी हैं और मिलते रहते हैं, इसका कोई मायने नहीं निकाला जाए और अक्सर आते रहते हैं, आप लोग देखते ही रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सारी बात हम लोग के बीच में हो चुकी है और बहुत ही हम लोग अच्छे तरीके से एनडीए के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना है, व्यक्तिगत कार्यक्रम है, रैली में जाना नहीं जाना इससे कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से मिलेंगे, व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे उनसे। गया सीट को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा था, आप लोगों की मांग गया कि सीट थी लोकसभा को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, समय पर सब आपको पता चल जाएगा, एक दो दिन का मामला है, सब पता चल जाएगा, कोई पेच नहीं है, सब आपसी सामंजस्य के साथ ये गठबंधन हुआ है। चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हो, कोई भी है, सब मिलजुल के हम लोग ये काम कर रहे हैं, कहीं पर कोई पेच नहीं है। जो जहाँ से लड़ना चाहेगा, जहाँ पर वायबिलिटी होगी, जहाँ पर लगेगा कि ये कैंडिडेट सबसे बढ़िया है, हम समझते हैं कि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लोग डोरे डाल रहे हैं, आप लोग अब डोरे डालने दीजिए, डालने वाला का अपना काम है, मेरा काम है, हम जहाँ हैं वहाँ मजबूती के साथ। धन्यवाद। अभी संतोष भाई सब कुछ बहुत स्पष्ट किए कि हम सब एनडीए में, और नीचे अभी संतोष भाई बताए कि सब ठीक है। हम संतोष बहुत संतुष्ट हैं,
कहीं कोई गड़बड़ नहीं है और हम सब भाई मिलकर जो भी तय करते हैं, जो पार्टी हमारी है एनडीए के साथियों के साथ मिलकर विचार कर जो होता है वो तय करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चिराग जी सर आपकी की बात आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान कहीं कोई नाराज नहीं। तो आपने देखा है कि एक तरफ थोड़ी देर पहले मिलने के लिए बीजेपी के सांसद संजय जसवाल एक बार फिर से पहुंच जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए, और इधर जीतन राम मांझी के आवास पर संतोष सुमन से मुलाकात करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मिल जाते हैं। और इधर देखिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बात करें तो जब जब कोई संकट एनडीए की सरकार में आती है और ख़ास तौर पर बिहार में, चाहे वो एनडीए की सरकार बनाने से लेकर सरकार गिराने तक का, तो नित्यानंद राय एक अहम रोल अदा करते हैं एनडीए की सरकार में। जीतन राम मांझी से चाहे उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए नित्यानंद राय को ही भेजा जाता है। और इस बीच कल देखिए लोकसभा चुनाव के पहले जो है दोनों नेता मिलने के लिए पहुंचे हैं, एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर बातें हो रही हैं, बातें और मामला अटकने की बात सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन हालांकि बीजेपी के जो भी नेता मिलने के लिए पहुंच रहे वो साफ कह रहे हैं कि कोई नाराज़गी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, कोई नाराज़गी नहीं है, जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव के पहले सीट शेयरिंग हो जाएगा, हम बिहार में 400 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। देखिए अंदर की तस्वीरें आपके भी स्क्रीन पर लगातार चल रही होंगी कि अंदर में बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद हैं, साथ में जीतन राम मांझी के सुपुत्र यानी बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन मौजूद है। देखिए खबर यह है कि जीतन राम मांझी पटना में मौजूद नहीं है, वो गया में अपने एक कार्यक्रम के लिए गए हैं, और ठीक यहाँ जब नित्यानंद राय एक तरफ पहुँचते हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद और बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक संजय जसवाल मिलने के लिए पहुँचते हैं। देखिए बात करें आज की तो आज का दिन भी बेहद अहम है। अमित शाह एक तरफ पटना से सटे पाली में जनसभा को संबोधित करेंगे, महासभा है एससी एसटी मोर्चा की तरफ से, ये महासम्मेलन रखा गया है जिसमें अमित शाह खूब गरजने वाले हैं, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव पर गरजने वाले हैं। और इधर नित्यानंद राय सीट शेयरिंग को लेकर मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए मांझी की आवाज़ पहुँचते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद संजय जसवाल मिलने के लिए पहुँच जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा से। बात फाइनल हो चुकी है, चिराग पासवान को लेकर भी जो संशय था वो क्लियर हो चुका है। आने वाले दिनों में देखना है कि चिराग पासवान क्या एनडीए के साथ रहेंगे, मोदी के हनुमान कहलाएंगे या फिर अपना पारा बदलेंगे। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही, अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।